हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये हमारा टॉपिक ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक पावरफुल टॉपिक की कैटेगरी में आता है, बहुत प्यारे कंसेप्ट से क्लियर होता है, जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम्स ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, उसका नो लोड कंडीशन में किस तरह से वर्क करता है और उसका सिंपल फेजर डायग्राम को हमने समझने की कोशिश की थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर को ही लेके चलेंगे, लेकिन एट द लोड कंडीशन पे किस तरह से काम करता है ट्रांसफॉर्मर का जो ये वर्किंग है नो लोड एंड लोडेड, इसको हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उस पर डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना चाहे वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो चाहे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हो, आपका वर्किंग प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएगा। आज हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वीडियोस के अंदर, वो उसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन करने का रहेगा, प्रॉपर नोट्स के प्रोवाइड करने का रहेगा, एंड इसके फेजर डायग्राम एट द लोडेड कंडीशन। लोडेड मीन आपका आउटपुट में सेकेंडरी में क्या है, लोड कनेक्टेड होगा, और उस पर्टिकुलर लोड आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसकी पहले वर्किंग देखते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की कोर है, ये हमारी क्या है ट्रांसफॉर्मर की कोर है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं वाइंडिंग्स को वाउंड करते हैं। अज्यूम करते हैं किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की, इसके ऊपर हमने वाइंडिंग को वाउंड किया, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग, क्लियर है सर, और ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। हम बात कर रहे हैं किसकी, एट द लोड कंडीशन की। वर्किंग बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको रिमेम्बर हो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मींस वाइंडिंग के पैरामीटर्स को, मतलब रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। प्राइमरी साइड में क्या किया, सप्लाई से कनेक्ट किया, वी वन करंट स्टार्टिंग में फ्लो करेगा, आई वन जो किसके इक्वल होगा नो लोड करंट के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी साइड ओपन सर्किटेड है। जब यहाँ पे माइनर करंट I1 equals to I0 फ्लो कर रहा है, उस केस में आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो साइनसोइडल करंट फ्लो करेगा, ये हमारे यहाँ पर फ्लक्स स्टर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इस करंट के कारण हमारे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा इन द अपर डायरेक्शन। इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया है वर्किंग प्रिंसिपल में, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को कि अपर ही क्यों जाता है, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा इन द कोर, ये लीजिए सर, बिल्कुल सेटअप हो चुका है फाइव। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो चुका है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण यहाँ पर भी तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे ईवन, प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक कर रहा है, तो डेफिनेटली सेकेंडरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ई टू। यहाँ पर प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स हम अज्यूम कर लेते हैं, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स एन वन है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स एन टू है। अब आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे सेकेंडरी को अभी हमने स्टिल ओपन सर्किट रखा रखा है, मतलब सेकेंडरी में कोई भी अमाउंट का करंट, किसी भी अमाउंट का करंट हमारा सेकेंडरी में फ्लो नहीं कर रहा है। उस केस में ओनली प्राइमरी में जो करंट रेस्पॉन्सिबल होता है सेटअप करने के लिए फ्लक्स, उसको बोलते हैं नो लोड करंट आई नोट। ये हमने डिटेल में नो लोड करंट से जस्ट प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर लोड कनेक्ट किया, हमारा सेकेंडरी टर्मिनल हो जाएगा कंप्लीट, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट होते ही डेफिनेटली करंट तो फ्लो करेगा, कौन सा करेगा I2। ये लीजिए I2 करंट फ्लो स्टार्ट। जब हमारा करंट I2 लोड से फ्लो करेगा, तो डेफिनेटली इसके अप्रोच एक वोल्टेज ड्रॉप V2 भी आएगा, एंड करंट हमारा लोड से होते हुए इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ही नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब वाइंडिंग में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पीछे से होते हुए आगे की तरफ, ये लीजिए हो गया। अगर अपन ऑब्जर्व करें, मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ वर्किंग प्रिंसिपल में, इस वाइंडिंग को इस कोर को इस तरह से वाउंड कर रखा है, करंट पीछे से आता है, ये घूमता है, तो फ्लक्स का सेटअप होगा अपर डायरेक्शन में। प्रॉपर एग्जाम्पल दे दे के स्टेप बाय स्टेप दो दो तीन तीन बार रिपीट किया है वर्किंग प्रिंसिपल को, उसको जरूर पढ़े। अब देखिए, यहाँ पर अनदर एक फ्लक्स सेटअप हो गया अपर डायरेक्शन में, ये जो फ्लक्स होता है ये क्या करता है, मेन फ्लक्स का अपोज करता है, याद आ रही क्या, बिल्कुल हर चीज बताई थी, ये जो फ्लक्स है ये क्या करता है, मेन फ्लक्स का अपोज करता है। और एक यहाँ पर प्राइमरी साइड में
एक बैक ईएमएफ को इंड्यूस कर देता है, और ये बैक ईएमएफ क्या करता है, प्राइमरी ईएमएफ का अपोज करता है, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करता है, किसके इक्विवेलेंट, V1 माइनस E1 के इक्विवेलेंट। और इसको ओवरकम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं बैलेंस करने के लिए, लोडेड कंडीशन में प्राइमरी साइड में भी अनादर करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, जो क्या करता है, फाइबर फाइडेस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करता है, और फाइडेस फ्लो हो रहा है ड्यू टू द I2। मींस लोडेड कंडीशन में प्राइमरी साइड में भी अनादर करंट का फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है विद बैलेंस द I2 सेकेंडरी करंट, और इस करंट को बोला जाता है प्राइमरी बैलेंसिंग करंट। I1 डैश हमारा क्या है यहाँ पर, प्राइमरी बैलेंसिंग करंट, क्या है, प्राइमरी बैलेंसिंग करंट। और ये हो जाती है हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर की वर्किंग, की लोडेड कंडीशन में कैसे काम करता है। अब आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे जो लोड है वो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, रेजिस्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, एंड कैपेसिटिव भी। तो अभी हमने जो वर्किंग एक्सप्लेन करी, इसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ भी है, उसको जरूर देखिए बेटा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक का क्लियर हुआ? अब हमने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट देखे हैं उनको एक बार शॉर्ट में नोट डाउन करते हैं, या रिवाइज पॉइंट में नोट डाउन करते हैं। आइए आप ऑब्जर्व करिए, हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अभी हमने इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करते हुए लिखे थे, समझे थे, उन सबको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, या फिर इसको पोज करके इसको कंप्लीट को नोट डाउन करके रखें, जिससे आप जब अदर स्टडी करते हैं, आप अदर अपने प्रिपेयर करते हैं नोट्स को, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इस आइडियल ट्रांसफार्मर के लोडेड कंडीशन में फेजर डायग्राम को किस तरह से बनाते हैं, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि कंसेप्ट के बिना फेजर डायग्राम नहीं बनेंगे, वो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है फेजर डायग्राम को बनाने के। तो वन बाय वन एक एक करके सारे फेजर डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं इनके फेजर डायग्राम बनाने की ओर। सबसे पहले हम बनाते हैं फेजर डायग्राम फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर एंड फॉर द रेजिस्टिव लोड। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फॉर रेजिस्टिव लोड, ध्यान से समझिएगा फेजर डायग्राम को। हम सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हमने नो लोड का भी किया था। इस समय जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है उसे रिक्वेस्ट है, अभी पेन कॉपी को रख दे एंड ओनली लिसन करे, ध्यान से सुने, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करो बेटा, सिंपल वे में मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप इसको इजी वे बना सकते हो। ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स फायर, यहाँ पर प्राइमरी साइड है, ये हमारा सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड में आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर में कि कोई भी वाइंडिंग के अंदर हमारा क्या लॉसेस अकर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। मीन जितना V1 होगा उतना E1 होगा, जितना E2 उतना हमारा E2। मीन ये प्राइमरी साइड का V1 जो कि है E1 के इक्वल मैग्नीट्यूड का, यहाँ पर हमारा V2 जो कि है E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल का। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखिए सबसे पहले जब भी हम बनाते हैं तो फर्स्ट हमारा टारगेट क्या है, हम बनाएंगे नो लोड करंट। नो लोड करंट हमारा जहां से स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले नो लोड करंट फ्लो करता है। नो लोड करंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट और वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको समझा भी था, मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बनाया, यहाँ पर हमने एक वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट बनाया, और इन दोनों का वेक्टर सम हमें मिल रहा है यहाँ पर एक नो लोड करंट I0। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए, नो लोड करंट फ्लो होने वाले जैसे लोड को कनेक्ट किया, लोड कैसा है, रेजिस्टिव। रेजिस्टिव का मतलब क्या हो गया बेटा, कि इन द केस ऑफ रेजिस्टिव लोड वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, मींस जिस डायरेक्शन में V2 है उसी डायरेक्शन में I2 आएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए हमारे पास ये V2 है तो V2 की ही सेम डायरेक्शन में क्या फ्लो हो गया हमारा I2। बीजी बने क्या, ये बना दिया हमने यहाँ पर I2 सेकेंडरी साइड का करंट ड्यू टू द रेजिस्टिव लोड वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम फेज में है। इतना क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पर सेकेंडरी साइड का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, जीरो। डन। अब आइए, जब यहाँ पे सेकेंडरी करंट फ्लो करता है तो सेकेंडरी करंट के कारण फ्लक्स में फाई डैश फ्लो करता है कोर में, और इसका ओवरकम कौन करता है, प्राइमरी बैलेंसिंग करंट। वो बोला भी था भी कि प्राइमरी बैलेंसिंग करंट हमारा प्राइमरी में फ्लो होता है इन द सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट का जो कि सेकेंडरी में है।
तो बिल्कुल आई टू के इक्वल, जितना यहाँ पे आपने फ्लो कराया उतना ही आप प्राइमरी में फ्लो करा दीजिए, आई वन डैश ये लीजिए, हो गया हमारे पास आई वन डैश प्राइमरी बैलेंसिंग करंट। यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, आई वन क्या है? आई वन हमारा नो लोड करंट एंड प्राइमरी बैलेंसिंग करंट का वेक्टर सम है। तो आप ऑब्जर्व करिए, हमारा आई नोट है, ये हमारा आई वन डैश है, वेक्टर सम मतलब आई नोट को आई नोट के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ये लीजिए आई नोट से आई वन को आई वन के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ये लीजिए, और उन दोनों को हमने क्या किया, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं मीट करते हैं वहां पे हमने इसका फाइनल रिजल्टेंट बना दिया, और ये बन गया हमारे पास प्राइमरी करंट आई वन। और ये प्राइमरी करंट आई वन हमारा वी वन से कुछ अमाउंट में लैग कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया फाइ वन, और ये फेजर किसका बन गया? हमारा रजिस्टिव लोड का। क्लियर है क्या? बड़ा सिंपल है, अभी थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा तो भी इंडक्टिव से क्लियर हो जाएगा। बाकी क्या था, अपन ने सबसे पहले हमने बनाया नो लोड करंट आई नोट, फिर हम लेके गए रजिस्टिव लोड है मतलब वी टू की सेम डायरेक्शन में आई टू फ्लो करेगा, ड्रॉ कर दिया। आई टू को बैलेंस कौन कर रहा है? प्राइमरी बैलेंसिंग करंट, तो हमने आई टू की अमाउंट का आई वन डैश ड्रॉ कर दिया। आई वन एंड आई टू का वेक्टर सम क्या दे रहा है? आई वन, हमने आई वन को ऑब्टेन किया। अब आप समझिए, सेकेंड फॉर द इंडक्टिव लोड, फॉर इंडक्टिव लोड बहुत सिंपल होते हैं फेजर डायग्राम, अगर कंसेप्ट सुनना आ गया तो। वापस से भाई, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको पकड़ लीजिएगा बेटा, 100% परफेक्ट फेजर बनेंगे। ये हो गया फाइव एम, ये प्राइमरी साइड के पैरामीटर है, वी वन इक्वल टू ई वन क्योंकि आइडियल है, बार बार बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पर वाइंडिंग में कोई भी लोसेस अकर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे पास वी टू और ई टू इक्वल नहीं होंगे, वी वन ई वन इक्वल नहीं होंगे, वो हम आपको बाद में आगे डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या बनाना है, नो लोड करंट, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, नो लोड से बना दीजिए सर। ये हो गया इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, ये हो गया हमारा इसका वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, इन दोनों का वेक्टर सम हमें दे रहा है यहाँ पे नो लोड करंट आई नोड। बोलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, अब बात आती है कौन सा लोड है, इंडक्टिव। यहाँ से जब इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है तो जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा क्या होगा, लैगिंग नेचर का, मतलब V2 से करंट I2 क्या करेगा, कुछ अमाउंट में लैग करेगा। रजिस्टर में सेम डायरेक्शन में शो किया, यहाँ पे सेम डायरेक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ से हो गया कुछ अमाउंट में करंट हमारा लैग, ये हो गया हमारा आई टू ड्यू टू द इंडक्टिव लोड, करंट इज लैग विद द वोल्टेज एट द एंगल ऑफ फाइव टू। बोलो क्लियर है क्या? करंट क्या हो गया, पीछे हो गया, करंट आई टू फ्लो कर रहा है, इसके कारण हमारे पास बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा। बैक ईएमएफ को कॉम्पनसेट कौन करेगा? प्राइमरी बैलेंसिंग करंट करेगा, जो कहां फ्लो कर रहा है, प्राइमरी साइड में। ध्यान से समझिएगा, जितना हमारा आई टू है उतना ही करंट हमारा प्राइमरी में फ्लो करेगा, प्राइमरी बैलेंसिंग करंट, ये लीजिए सर, ये ले गए, ये हो गया हमारा प्राइमरी बैलेंसिंग करंट आई वन डैश। प्राइमरी टोटल करंट किसके इक्वल है? नो लोड करंट और प्राइमरी बैलेंसिंग करंट के। तो हमने क्या किया, यहाँ से आई नोट की डायरेक्शन में आई नोट को एक्सटेंड किया, ये लीजिए आई वन डैश की डायरेक्शन में आई वन डैश को एक्सटेंड किया, ये लीजिए, और इन दोनों का वेक्टर सम टोटल प्रोवाइड करेगा हमारा प्राइमरी करंट आई वन। ये हो गया हमारा टोटल प्राइमरी करंट आई वन, जो कि अगेन आप तो ऑब्जर्व कर सकते हैं वोल्टेज से कितना एंगल लैग कर रहा है, फाइव वन। ये हो गया फेजर डायग्राम फॉर द इंडक्टिव लोड। कंसेप्ट समझिए, बच्चा क्या करता है, लाइन में गिनता रहता है, इधर गया नहीं, कंसेप्ट समझेंगे, फेजर डायग्राम हंसते हंसते बनेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता, फेजर डायग्राम बनाना सबसे ईजी होता है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। अब देखिए थर्ड कौन सा हमारा, कैपेसिटिव लोड, फोर कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में स्टूडेंट कई बार एक मिस्टेक क्या करते हैं वो बता देता हूँ, कि आप ऑब्जर्व करिए कि जब रजिस्टिव लोड था तो हमारे पास सेकेंडरी का जो करंट है वोल्टेज के सेम फेज में है, लेकिन प्राइमरी कुछ अमाउंट में लैग करता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नो लोड करंट। जब इंडक्टिव लोड दिया तो सेकेंडरी करंट लैग है, लेकिन प्राइमरी करंट का लैगिंग एंगल और ज्यादा इंक्रीज हो गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नो लोड करंट। तो नो लोड करंट तो कैपेसिटी में भी होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा, वो उड़ तो नहीं जाएगा, लेकिन जब हम कैपेसिटिव की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा सेकेंडरी में करंट अगर लीड कर रहा है तो हम ये तो चाहते हैं ना कि प्राइमरी में भी चाहे थोड़ा सा ही करे,
लेकिन लीड करे। इसको ध्यान रखते हुए फेलियर डायग्राम बनाइएगा। कई बुक्स में, कई ऑथर्स के बुक में आपको यहाँ पर लीड दिखा देता है सेकेंडरी को, लेकिन प्राइमरी में लेगी दिखा देता है, जो मेरे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑथराइज बुक के अकॉर्डिंग गलत है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर बनाए कैपेसिटी रूल को, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में बनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी जल्दी से बनता नहीं है बच्चों से। यहाँ देखियो, है बड़ा सिंपल। ये लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे लिया हमने फ्लक्स फाइ एम, प्राइमरी साइड में वी वन इक्वल टू ई वन, सेकेंडरी में वी टू इक्वल टू ई टू। क्यों है? क्योंकि क्योंकि हमारा कैपेसिटी लोड है और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, और आइडियल में वी वन ई वन के इक्वल होता है वी टू ई टू के। अब देखिए आप, कैपेसिटी लोड का मतलब हमारा करंट लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब हमने अज्यूम किया, सॉरी पहले नो लोड करंट बनाओ यार, उसको मैं भूल गया। ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, ये हो गया हमारा वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, इन दोनों का वेक्टर सम हमें दे रहा है यहाँ पे नो लोड करंट आई मोड, ये तो भूल ही गए थे। चलिए अब हम बोल रहे हैं कि हमारा सेकेंडरी करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वी टू इधर है तो करंट लीड कर रहा है। ये लीजिए, लीड ले गए। यहाँ पर हमने इतना ज्यादा अमाउंट का लीड क्यों दिखाया, इसके पीछे रीजन मैं ये बता रहा हूँ कि भैया जितना आप अमाउंट यहाँ पे लीड करेंगे वो इसलिए कर रहे हैं जिससे इसका इफेक्ट कंपनसेट हो जाए, ना रहेगा। अब आप ऑब्जर्व करिए, आई टू यहाँ पे आ गया है, जिससे हमारा यहाँ पे आई टू आया, इस आई टू को बैलेंस कौन करेगा? प्राइमरी का प्राइमरी बैलेंसिंग करंट। सेम अमाउंट का आपने प्राइमरी साइड में ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए आई वन डैश, डन है क्या? प्राइमरी बैलेंसिंग करंट और नो लोड करंट का एलजेब्रिक सम, सॉरी वेक्टर सम क्या देगा? नो लोड करंट। हमने क्या किया, आई नोट के अमाउंट का यहाँ पे आई नोट ड्रॉ किया, ये लीजिए सेम डायरेक्शन में, आई नोट से आई वन डैश के अमाउंट का आई वन डैश ड्रॉ किया, ये लीजिए सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का वेक्टर सम हमें क्या देगा? टोटल प्राइमरी करंट, टोटल प्राइमरी करंट आई वन, टोटल प्राइमरी करंट आई वन, और ये हमारा देखिए यहाँ पे लीड कर रहा है कितना, फाइव वन एंगल से। यहाँ तक का क्लियर है? हमने तीनों फेजर डायग्राम बनाए हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। आई होप आपको तीनों फेजर डायग्राम को बनाने का तरीका समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल है, हो गया है क्लियर? आज की वीडियो में हमने आइडियल ट्रांसफार्मर एट द लोडेड कंडीशन के फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम्स को लेकर आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्चुअल है और इससे आगे की स्टेज है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।